और देश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार एम्स नई दिल्ली में बच्चों के मायोपिया क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। बच्चों में तेजी से बढ़ रही मायोपिया को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इस अवसर पर एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास, आरपी सेंटर के प्रमुख जीवन सिंह तेत्याल, डॉक्टर रोहित सक्सेना सहित अन्य फैकल्टी सदस्य और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। एम्स में खोले गए इन बच्चों के मायोपिया क्लिनिक से बच्चों में मायोपिया की प्रगति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपचार संभव हो सकेगा। तो बच्चों में तेजी से मायोपिया, जैसे आप जानते हैं कि आजकल हम लोग मायोपिया वीक मना रहे हैं, इसी संदर्भ में हम चाहते थे कि इस क्लिनिक का भी जो है शुभारंभ हो जाए। और ऐसे नहीं है कि मायोपिया में यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, पहले हमारी जो है ओपीडी चलता है, मायोपिया स्क्रीन होता है। जैसे डॉक्टर रोहित सक्सेना जी ने बताया कि 1000 करीब बच्चे हम देखते हैं साल में, और मायोपिया एक हॉस्पिटल की समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या हो गई है। हर घर में हर बच्चा जो है मायोपिक हो सकता है, तो इसलिए क्लिनिक तो ज़रूरी है, साथ में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के हिसाब से बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की एजुकेशन और स्कूल में टीचर्स की एजुकेशन और बड़े सारे संस्थाएं जो उनसे जुड़ी हुई है, जैसे स्कूल हेल्थ वाले हैं, उनको भी एजुकेशन की ज़रूरत है। आज जैसे आप जानते हैं कि आजकल हम नमस्कार, मेरा नाम है प्रोफेसर रोहित सक्सेना, मैं आरपी सेंटर एम्स दिल्ली में फैकल्टी हूँ। आज मायोपिया का क्लिनिक खुल रहा है सर, बच्चों के लिए, हमने ये देखा है कि आजकल बच्चों में मायोपिया या दृष्टि दोष की जो प्रॉब्लम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ऐसे कई बच्चे हम हर रोज़ देख रहे हैं। और इस कारण से यहाँ पे इस अस्पताल में हमने सोचा कि एक अलग डेडिकेटेड क्लिनिक हम शुरू करेंगे, जिसमें ये बच्चों के दृष्टि दोष या मायोपिया की प्रॉब्लम है उनको अलग से हम देख सकें, जिससे कि सही इलाज, सही तरीके का इंटरवेंशन हम उनको दे सकें, और आगे जिससे कि मायोपिया उनमें ना बढ़े और सब लोगों को इसके बारे में जागृति हो और लोग कदम उठाएं जिससे कि बच्चों का मायोपिया रुक सके।